सुल्तान मौसम आइए पाशा, लगता है खबर अच्छी नहीं है। बदकिस्मती से मेरे सुल्तान, रूसी और बरतानवी सिफारत खानों से रोजाना टेलीग्राम भेजे जाते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं ये नहीं मालूम। और क्या बात होगी पाशा, हमारे खिलाफ जंग के लिए इत्तेहाद मुस्तहकम कर रहे हैं। मेरे सुल्तान, यूनानियों की हमारे खिलाफ जंग करने की जुर्रत पर हैरत ज़दा हूँ। हैसियत क्या है यूनान की पाशा, आप बताइए क्या है। यूरोप का एक बिगड़ा हुआ बच्चा, 10 लाख आबादी वाली एक छोटी सी रियासत। उनके पीछे रूसी और अंग्रेज हैं, और हम कौन हैं? सबसे पहली फौज इस्तांबुल की फौज, तुर्क अल्बानिया और बोस्निया की वजह से एक किले की तरह महफूज है। दूसरी फौज विदरने की फौज, बिल्कुल ठीक, रेडिफ दस्ते के बहादुर नौजवान यूनानियों पर कहर बनकर टूटेंगे। वो सब मजबूत हैं, सब पुरजोश हैं। उन तमाम नौजवानों में इधरने के फातेह सुल्तान मुराद अव्वल जैसी सुजात और बहादुरी है। तीसरी फौज सेलोनिका की फौज, इसके शेर जो सफेद महल की दीवारों की तरह मजबूत हैं, और वो पत्थर जैसी सख्त कलाइयों के साथ तैयार हैं। स्कोपजे और बोस्निया, मनस्तरी में खबर फैला दें कि उस्मानी फातहीन के बेटे ने अल्लाह में जंग बुलंद किया है, तो सब फौरी चले आएंगे। इजमीर की छावनियों को सेलोनिका मुंतकिल कर दें। चौथी फौज अर्जिनजान, बहुत खूब, अर्जरूम, एलाजीज, हारपूत, वान और बितलिस, तुर्क और कुर्द सारे शेर चौथी फौज में शामिल होंगे। रूसी जब आएंगे तो ये सब शेरों की तरह दौड़ेंगे। और शाम, और पांचवी फौज शाम अंग्रेजों के बहरे रूम से होने वाले हमले का मुकाबला ये करेंगे। शाम एक अमानत है हमारे पास, जब शाम रोता है इस्तांबुल भी रोता है। छठी फौज है बगदाद, सहरा के उकाब, ये दूसरा हिसार साबित होंगे। त्राबलासौर हिजाज के सिपाही सातवीं फौज में शामिल होंगे, जो सहरा को दुश्मन के लिए जहन्नम बना देंगे। देखिए पाशा हजरात, ये हैं हम, एक सल्तनत में 7 फौजें। जब हम खिलाफत का परचम बुलंद करेंगे, हिंदुस्तान से, कफकस से, आजारी भाई भी इन शेरों समेत लड़ने के लिए आगे आएंगे। अंग्रेजों और रूसियों को इन सब का सामना करना पड़ेगा। अगर मसला सिर्फ यूनानियों का है तो सेलोनिका की फौज ही उनके लिए काफी है। हर जगह खबर दे दी जाए, कोसोवा में सुल्तान मुराद फातेह के सिपाहियों को, बुरसा में उस्मान गाजी के बेटों को, इमाम शामिल के वारिसीन को भी खबर दे दें। तमाम माएं मेहंदी तैयार कर लें। या शहीद या गाजी बनकर लौटना है हर बाप, ये बात अपनी औलाद के जहन में बिठा दे। हक और बातिल की लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं। अल्लाह और रसूल के नाम को मिटाने वालों की हर कोशिश नाकाम बना देंगे हम। उस्मानियों की जर जो लोग भूल चुके हैं उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा। तलवारें नियाम से बाहर आ चुकी हैं।